हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, रश्मिका एंड जैज़, लास्ट स्टोरी में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह मेरी जैज़ को लग रहा होता है डर और मैं किस तरह से उसका डर भगाती हूँ। जी हाँ, उसको चूल्हे में डर लग रहा होता है बहुत ज़्यादा और मैं उसका डर भगा देती हूँ। और जब हम चूल्हे से नीचे आते हैं तो जैज़ जैसे ज़ोर से पकड़ती हूँ, किसी करती हूँ और हक करती हूँ, बोलती है चान तुम इतनी मीठी क्यों हो? हाँ, बचपन में क्या तुमने सिर्फ मीठा खाया था? मैं बोलती हूँ नहीं, कड़वा भी बहुत खाया था। कड़वी बातें सुनिए, चलो भागो यहाँ से। तो जैज़ हंसने लग जाती है, कहती नो 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 नो, कड़वी बातें नहीं, मुझे तो बस मेरी जान की मीठी मीठी बहुत पसंद है ना। मैं बोलती ओए होए होए, कुछ ज़्यादा मक्खन नहीं हो रहा? हाँ, जैज़ बोलती मक्खन तो ब्रेड पर लगाते हैं ना। मैं बोलती अच्छा जी, जब पता है तो मुझ पर क्यों लगा रही हो फिर? तो जैज़ हंसते कहती नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। पता है इतनी क्यूट क्यों हो यार, इतना क्यूट भी नहीं होना चाहिए। बोलती अच्छा जी, ज़्यादा नहीं हो रहा? जैज़ बोलती अरे नहीं जान, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। जैज़ बोलती ओ हेलो। बोलती जैज़ की बच्ची मुँह तोड़ दूंगी तुम्हारा, चलो अब यहाँ से। जैज़ कहती ओहो हो गई तुम्हारी कड़वी बातें स्टार्ट? में बोला हाँ ना, मैंने बोला था ना मीठी के साथ साथ कड़वा भी बहुत खाया है। जैज़ बोलती अच्छा जी, क्या तुमने सारे दिन की करेला खाया? मैं बोलती यू करेला कभी नहीं, पता है आज तक मैंने करेला नहीं खाया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैज़ बोलती अच्छा जी, तो फिर करेले की तरह कड़वी बातें क्यों करी हो? बोलती हद है यार। अच्छा बाबा ये लो, कान पकड़ लिया, नो कड़वी बातें। अच्छा बताओ अब नेक्स्ट कौन से झूले पे बैठना है? जैज़ बोलती ना बाबा ना, मेरी तो बस है, मैंने नहीं बैठना। मैं बोलती क्या यार जान, मुझे बहुत मज़ा आता है झूले में, चलो ना चलो ना। तो जैज़ बोलती जान मुझे डर लगता है। मैं बोलती जान मैं हूँ ना, बिल्कुल डर नहीं लगने दूंगी पक्का। जैज़ बोलती नो 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 नो। मैं बोलती यस 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 यस, उस झूले में जाना है तो जाना है, चलो। तो मैं ज़बरदस्ती जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ और जब हम झूले के पास जाते हैं, हमारी बारी आने ही वाली होती है, झूला रुकने वाला होता है, तो उसमें पहले जो लोग बैठे होते हैं उनकी हालत देख के तो जैज़ की हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे जैज़ का हाथ पकड़ के बोलती हूँ चान रिलैक्स, मैं हूँ ना। जैज़ बोलती मुझे सच में डर लग रहा है अभी से। मैं बोलती हूँ चान इसलिए तो लेके जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी जान को कभी भी किसी चीज़ का डर सताए, मैं हूँ ना तुम्हारा डर ख़त्म करने के लिए तो लेके जा रही हूँ। और ज़्यादा डर लगे तो मुझे ऐसे टाइटली पकड़ लेना ना, चले। तो जैज़ डर रही होती है, मैं झूले में चढ़ जाती हूँ, फिर मैं ऐसे जैज़ की तरफ हाथ करती हूँ, बोलती चलो मैं हूँ ना घबराओ मत। तो जैज़ ऐसे मेरे हाथ में अपना हाथ रखती है, फिर मैं उसे ऊपर की तरफ ले लेती हूँ। तो जब हम ऊपर बैठते हैं झूले में तो वो झूला होता है ऐसे जो गोल 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 घूमता है और ऊपर हाइट में जाके रुक जाता है, और मेरी जान को तो हाइट से ही डर लगता होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पर जाके रुक गए तो जैसे चीखे मारने लग जाती है, आप जो डर लग रहा है उतारो उतारो उतारो। तो उसे आंखें बंद करके बहुत ज़्यादा चलाती है, तो मैं इसे जैज़ को पकड़ती हूँ, बोलती जान रिलैक्स रिलैक्स, कोई कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना। अच्छा आँखें खोलो आँखें खोलो, देखो मेरी तरफ। जैज़ बोलती नो 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 नो, मुझे आँखें नहीं खोलो, मैं गिर जाऊँगी। मैं बोलती जान ये लोग के हम नहीं गिरेंगे। अच्छा मेरी तरफ देखो देखो। जैज़ बोलती मुझे चक्कर आ रहे हैं मुझे चक्कर। मैं बोलती चांद आँखें खोलो। हाँ, तो जैज़ आँखें खोलती है और मेरी तरफ देखते हैं। मैं बोलती रिलैक्स मैं हूँ ना, देखो कुछ नहीं होगा, जब तक मैं साथ हूँ तो मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगी। हूँ वो देखो क्या है, हम ऊपर हाइट पर हैं बट ये लोग है ना जान, हम नहीं गिरेंगे। जैज़ बोलती अगर हम गिर गए तो? बोलती रिलैक्स बाबू मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा देखो यहाँ से सब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, जैज़ बोलती नो 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 नो, मुझे नहीं देखना। मैं बोलती चांद देखो देखो ये सब कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से सब लोग कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, इतू इतू से जैसे कीड़ी होती है ना। जैज़ बोलती बट मुझे डर लग रहा है। मैं बोलती नो डर बर वर, याद है ना भूत आ जाएगा। जैज़ बोलती भूत आ जाए यार, भूत नहीं डर लगता, हार्ट से डर लगता है। बोलती ओहो मिले चांद। अच्छा सुनो मेरी तरफ देखो, क्या होगा, किस चीज़ से डर लग रहा है तुम्हें? जैज़ कहती मैं गिर जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। मैं बोलती नहीं गिरोगी। अच्छा इतना मुझे पकड़ो। जैज़ इसे मुझे टाइटली पकड़ती है और मैं भी टाइटली पकड़ती हूँ। मैं बोलती देखो जब तक मैं तुम्हें पकड़ा हुआ है ना, गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके मैं खुद गिर सकती हूँ बट तुम्हें कभी नहीं गिरने दूँगी। ओके जैज़ बोलती नो तुम भी मत गिरो और मुझे भी मत गिरने। तो मैं बोलती ओके बाबा दोनों नहीं गिरेंगे, कूल मैं हूँ ना। मतलब कमला सा बच्चा कितना डरता है। हाँ तो जैज़ हंसते देखती हाँ ना अभी भी डर लग रहा है। मैं बोलती अभी भी ठीक है भाई, मैं फिर उधर सामने जाके बैठ जाती हूँ, मेरे पास होने से क्या फ़ायदा तुम्हें, तो फिर भी डर लगता है ना, ठीक है छोड़ो मुझे मैं जा रही हूँ। तो मैं ऐसे उठने की कोशिश करती हूँ तो जैज़ जैसे मुझे टाइटली पकड़ रहती है, कहती नो 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 मुझे डर नहीं लग रहा, बस तुम मेरे पास बैठ रहे हो। तो मैं हंसती बोलती ओहो झूठ भी बोलना आता है मेरी जान को। हाँ तो जैज़ बोलती ओके बस थोड़ा सा लग रहा है, अब ज़्यादा नहीं लग रहा। मैं बोलती ओले 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 मुझे बच्चा कहती है, अपनी हरकतें देखो, तुम हो मेरा बच्चा, मैं तुम्हें सही बच्चा बुलाती थी, हो ना मेरा छोटा सा बच्चा।
तो फिर जैसे किसी तरह देख रही होती, उसको भी बहुत डर लगता है, जैसे टाइटली हक करके बैठी होती है। मैं बोलती हूँ मुझे सांस नहीं आ रही, छोड़ो ना। तो चल बोलती नो 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 मुझे नहीं छोड़ना। मैं बोलती अच्छा 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 पकड़े रखो, बट थोड़ा आराम से ना, मुझे दर्द हो रहा है। चल बोलती ओके, तो मुझे ऐसे थोड़ा लाइट पकड़ लेती है। तो उसके बाद अचानक से होता है ना, झूला अचानक से चलता है तो झटका लगता है, तो चल इतनी ज़ोर से चीख मारती हूँ, मुझे इतना टाइटली पकड़ दिया। मैं देखती हूँ कि रोने वाली हो गई है, तो मैं ऐसे जैस की तरफ देखती हूँ, बोलती थे देखो मेरे तरफ। हाँ, जैस के दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ती हूँ, बोलती हूँ मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मैं बोलती हूँ जैस के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो ऐसे मैं उसके नीचे वाले लिप्स पे किसी कर रही होती हूँ, तो फिर जैसे भी मुझे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो हम ऐसे ही बस एक दूसरे को किस करते रहते हैं काफ़ी टाइम। तो किस करने के बाद जब जैस को मैं से छोड़ती हूँ, तो तब हमारा वो दरवाज़ा जाता है वो खुल रहा होता है, हम नीचे उतर रहे होते हैं। तो जैस कहती है ये क्या हम उतर गए? मैं बोलती हूँ हाँ, बस एक दूसरी बात है जान, तो मैं ऐसे ही डरती हूँ, हद है मैं हूँ ना, जब हम मैं तो किस बात का गम में, हद नहीं होती। जैस कहती ओहो अच्छा मुझे डर लग रहा था। मैं बोलती अब तो नहीं लग रहा। जैस बोलती नो, बोलती अच्छा चले नीचे। तो मैं फिर ऐसे जैस को झोले से नीचे उतारती हूँ। तो जब हम नीचे उतरते हैं तो ऐसे एक दूसरे को टाइटली हक करके हम लोग चल रहे होते हैं। तो जैस मुझे कहती कि यार तुम्हें क्या है, हाँ जब तुम मेरे साथ हो जब मुझे इतना सुकून क्यों मिलता है, पता है कितना डर लगता है मुझे हर से, जब तुम होती हो तो मुझे हर से भी डर नहीं लगता, ऐसा क्यों? मैं बोलती हूँ बस की तो खासियत है हमारी। जैसे बोलती ओहो ज़्यादा नहीं हो रहा? मैं बोलती अरे बाबा ठीक है, मेरी में खासियत नहीं है, ये हर प्यार करने वालों में खासियत है। ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो हमारे साथ होते हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हाइट से भी नहीं, समझी बुद्धू? चाहे बोलते ओह अच्छा सही है भाई, मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मैं बोलती नो मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। चाहे बोलती नो 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 मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। बोला नो 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 आई लव यू मोर देन यू ओके। चाहे बोलती मोर कौन सा मोर? वो उड़ने वाला। मैं बोलती हाँ वही उड़ने वाला, आप चले। तो ऐसे ही हम लोग हंसते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। तो हम लोग ऐसे जा ही रहे होते हैं, तो मेरी नज़र जाती है कैंडी फ्लोर्स पे। मैं कहती हूँ मुझे कैंडी फ्लोर्स लेना। चाहे बोलती नो बच्ची हो तुम? मैं बोला नो 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 कैंडी फ्लोर्स चाहिए तो चाहिए। चाहे बोलती ओ हो ज़्यादा छोटा बच्चा मत बनो। चलो मैं बोलती हूँ नो, सिर्फ छोटे बच्चे थोड़ी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। मुझे कैंडी फ्लोर्स चाहिए, कैंडी फ्लोर दो ना, लेके दो ना। चाहे बोलते नो, बोलते नो कैंडी फ्लोर्स नहीं दोगी तो मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से, देखना मैं ये बैठ जाऊँगी। चाहे बोलती बाबू ज़्यादा हो रहा है, बच्चा मत बनो। चलो मैं बोलती नो 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 मुझे वो वाला कैंडी फ्लोर चाहिए, देखो ना उसका कलर भी कितना अच्छा है, मुझे कलर रहा है, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। कैंडी फ्लोर्स कैंडी फ्लोर मुझे चाहिए तो चाहिए। तो चाहे बोलती ओके बाबू रिलैक्स मैं लेके देती हूँ ओके। तो जैसे जैसे जाती है कैंडी फ्लोर्स फ्लोर्स लेके आती है, तो मैं बोलती हाई लव यू जान। तो ऐसे बोल के जल्दी से खोल के उसको खाने लेके आती हूँ। चाहे बोलती हद है बाबू मुझे भी दो। मैं बोलती हूँ हाँ तो खाना तो जाके दूसरा ले लो ना। चाहे बोलती नो मैं तो ये खाऊंगी। मैं बोलती नो 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 ये मेरा है, मैं नहीं शेयर करूँगी, मुझे बहुत पसंद है। चाहे बोलती सोच लो शेयर नहीं करूँगी। मैं बोला नो। चाहे बोलती देखो बाबू गुस्सा मत दिलाओ, मैं तो यही खाऊंगी। मैं बोलती हूँ नो बाबू नो 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 ये मेरा है, मैं खाऊंगी, तुम मोड़ लो ना। तो मैं ऐसे ही कैंडी फ्लोर्स खा रही होती हूँ। तो जैसे मैं उसको भर लेती हूँ, तो मेरी जान दूसरे साइड से उसको ऐसे करके बाइट लेती है। तो हम दोनों फिर उसको शेयर करके खा रहे होते, एक साइड से मैं और एक साइड से जान खा रही होती है। तो जब वो थोड़ा सा रह गया होता है, तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी खा रही होती, जान कहती अरे आराम से। मैं बोलती नो तुम खा जाओगी ना, मुझे खाना है लास्ट वाला। जान बोलती नो हम दोनों साथ में खाएंगे ओके। तो हम दोनों ऐसे खा रहे होते हैं, जब मैं देखती थोड़ा सा बड़ा थोड़ा फ़ौरन से उसको मुँह में करके बाइट करके खा जाते हो। सर बोलती खाते हैं यार इतने भी क्या चलते, तुम्हें बुखड़ गई की। मैंने सोचा था हम किस करेंगे। मैं बोला अरे मैं नहीं, मुझे पसंद था तो मैं खा गई बस। क्या बोलती खाते हैं यार छोटा सा बच्चा बुखड़ गई ना। मैं बोलती अरे बुखड़ लूँ बस, जो मुझे चीज़ पसंद होती है वो मैं खा जाती हूँ। क्या बोलती अच्छा मेरे साथ भी शेयर नहीं करती? मैं बोलती अरे बापू नहीं करा तो था ना। क्या बोलती हाँ देखा था मैंने। मैं बोलती अच्छा वो देखो वो कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या बोलती क्या? मैं बोलती वो लॉलीपॉप। चल बोलती वो क्या होता है? मैं बोलती अरे चाह मेरा मतलब लॉलीपॉप कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना कलरफुल है, हाई टेस्टी टेस्टी खाते हैं ना। चल बोलती जान क्या बच्चा वाली हरकतें कर रही हो तुम, इतना मीठा कौन खाता है? बहुत मीठा खा लिया चलो। मैं बोलती नो 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 मुझे लॉलीपॉप चाहिए तो चाहिए। चल बोलती एक मिनट पहले उसको लॉलीपॉप बोलना बंद करो, वो लॉलीपॉप होता है। मैं बोलती मुझे पता है पर मुझे बचपन से आदत है और मैं क्या करूँ, इंसान और मैं ऐसे ही करते थे,
मुझे बहुत पसंद था, और जब मेरा खाने लगती थी मैं ऐसे बोलती मुझे मेरे लॉलीपॉप ले तो तब मैं तुम्हें भी कर रही हूँ मुझे लॉलीपॉप लेके तो मुझे नहीं पता चाहे बोलती नहीं लेके दूँगी तो बोलते अच्छा तो मैं वही ज़मीन पर बैठ जाती हूँ बोलती लेके दो मुझे नहीं पता लेके दो बोलते अरे देखो सब देख रहे हैं जान उठा मैं बोलती नो मुझे नहीं पता मुझे लॉलीपॉप चाहिए तो चाहिए चाहे बोलती हद है यार किसी अच्छी सी चीज़ के लिए जिद तो करती लोग पूछेंगे तो मैं क्या करूँ मेरी गर्लफ्रेंड को लॉलीपॉप चाहिए उसके लिए इतना हंगामा कर रही है मैं बोलती हूँ बस मुझे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है मुझे वो चाहिए तो चाहिए तो चाहे इतना सीखती ओके मतलब छोटा सा बच्चा अच्छा खड़ी तो हो जाओ मैं बोलती नो पहले लॉलीपॉप लेके दो और इस बार दो लेके देना चाहे बोलती ओके बापू दो लेके दूंगी उठो मैं बोलती हूँ नो पहले लेके दो तो जैसे हंसती और फिर दो लॉलीपॉप लेके आती है और दोनों मेरे हाथ में पकड़ा दे दिया तो वैसे दोनों को खाने नहीं चाहती जैसे बोलती अरे एक तो मुझे दो फिर बोलती नो ये दोनों मेरे हैं जैसे बोलती हद्दा जब तुमने दो बोले मुझे लगा एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए मैंने बोला नो मैंने दोनों अपने लिए बोले थे पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये छोटी मोटी चीज़ें तो मैं खाऊंगी जैसे बोलती अच्छा थोड़ा सा खा दो ना मैं बोलती नो और वैसे भी तुमने तो बोला था ये छोटी मोटी चीज़ें बच्चे खाते हैं तो तुम मत खाओ तुम जाओ कुछ और खाओ तो चाहे बोलती हद है ठीक है भाई हमें तो कोई कुछ देता नहीं है हम आज भूखे ही रहेंगे तुम ऐसे खा रहे हो तो जहाज के पास नहीं बोलते हद है इमोशनल ब्लैकमेल मत क्या करो ये लो खाओ लॉलीपॉप तुम भी चाहे बोलती हाय फिर से बोला क्या है ये मैं बोला लॉलीपॉप तो चाहे कहती ओ मेरा छोटा सा बच्चा खाओ तुम मैं तंग करती मैंने बोला नो साथ में खाते हैं ना एक साइड से तुम खाओ ना एक साइड से मैं खाऊंगी हाँ कितना अच्छा लगेगा ना तो फिर एक साइड से मेरी जैस खा रही होती है और एक साइड से मैं खा रही होती हूँ तो बहुत मजा मतलब इतना सुकून और वो सब इतना सुकून मिल रहा था ना उन सब चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों पे मैं कभी इतनी खुशी दे सकते हैं यार मैंने सोचा नहीं था बट कहते हैं ना जब हम आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपके साथ हो तो आप बच्चे ही बन जाते हो और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़िद करते हो अगर मैं जैस के साथ नहीं किसी और साथ आती तो ऐसे कभी ज़िद नहीं करती ऐसी छोटी चीज़ों के लिए इनफैक्ट मैं इन चीज़ों की तरफ देखती भी नहीं अच्छा मेरी जैस आती तो मेरा दिल करता है मैं छोटा सा बच्चा बन जाऊँ और बहुत बहुत तंग करूँ जैस को मेरे सारे नखरे उठाए हारे मज़े तो ऐसे ही करी होती मेरी जैस के साथ हम ऐसे लॉलीपॉप खा रहे होते हैं जब वो थोड़ा सा बचता है तो जैस बोलती लो जी थोड़ा सा रह के खा लो तुम मैं बोलती नो साथ में खाते हैं ना तो जैस उसे अपने मुँह में डाल लेती है और मैं उसको किस करने लगती तो जैस फ़ौरन से खा के अंदर ले जाती कहती हिलो हो गया खत्म मैं बोलती ये क्या क्या जैस बोलती वही जो तुमने किया था क्या था ना कैंडी फ्लोस कैसे खाया था तुमने मैं बोलती बाबू मुझे नहीं खाना तो मैं ऐसे बोल के दूसरा लॉलीपॉप जैस के हाथ में दे देती हूँ वहाँ से चली जाती हूँ बोलती अरे बाबू सुनो ना तंग करी थी तुम्हें मैं बोला नो नहीं सुनना खाओ तुम ये भी ठूसो इसको अच्छे से चाहे बोलती हाँ अपनी जान को ऐसे बोलते हैं आराम से भी तो बोल सकती थी ना कि जाने खा लो मैंने बोला नो तुम ठूसो मुझे नहीं खाना अभी है चाहे बोलती अच्छा जी मैं ठूसूंगी और तुम खाओगी नो अगर मैं ठूसूंगी तो तुम भी ठूसोगी ये लो ठूसो मैं बोलती हद है नहीं खाना तो नहीं खाना चाहे बोलती अभी तो बड़ी जिद करती हूँ लॉलीपॉप लेके दो अब मैं बोला हाँ बट अब मूड खराब हो गया तो नहीं खाना तो जैसे ऐसे फ़ौरन से उस लॉलीपॉप को ऐसे बाइट कर करके सारा ऐसे मुंह में डाल के नीचे फेंक देती है कोई छोटा सा पीस रखती है कहती ये लो बाबा ये लो ये दो भाई छोटा सा हो गया आप खाओ मैं बोलती हूँ नो तुम मुंह में लो फिर मुझे खिलाओ ऐसे किस करके ऐसे नहीं खाना तो जैसे ऐसे देखते इधर इतने सारे लोग देखते अच्छा पक्का इतने सारे लोग हैं मैं बोला हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता खिलाओ तो जैसे ऐसे बाइट करके उसे अपने मुंह में डालती है मुझे किस करके मेरे मुंह में डाल देती है और फिर उसको खाती हूँ उफ इतना मज़े का होता है मैं बोलती हद है यार ये कैंडी इतनी मज़े की भी हो सकती है मुझे नहीं पता था जान बोलती ओ बुद्धू लॉलीपॉप है मैं बोलती हूँ लॉलीपॉप या कैंडी क्या फ़र्क पड़ता है बहुत कमाल का जान तुमने तो इसका पूरा टेस्ट ही चेंज कर दिया तो चाहे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती कितनी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा मैं बोलती उफ कहाँ ज़्यादा हो रहा है अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मैंने चाहे बोलती ओ हो तुम्हारा डायलॉग अच्छा छोड़ो इधर आओ मैं बोलती क्या चाहे बोलती वो देखो ना घोड़ा चलो घोड़े पे बैठते मैं बोलती नो चाहे बोलती क्यों क्या हुआ मैं बोलती हूँ यार वो घोड़ा गंदा होता है उसने टांग मार दिया तो जैस कहती अच्छा जी मेरी जान को घोड़े से डर लगता है मैं बोलती हूँ हाँ नहीं मुझे नहीं जाना मैं बोलती छोड़ो ना वो देखो मैं वॉल चले जैसे बोलती अरे बाबू तुम गिर जाओगे मैं बोलती नो 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 मैं वॉल पे चढ़ सकती हूँ यार मैं नहीं गिरूंगी प्लीज़ चलो ना तो जैसे कहती ओके बाबू अगर तुम्हें चलना है तो चलते हैं तो मैं जैसे बोलती बाबू तुम गिर जाओगे मैं बोलती नो 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 नहीं गिरूंगी चलो ना
चलो ना चलो ना, मैं बहुत ज़्यादा जिद करती हूँ। शायद बोलती हूँ ओके बाबू, बट ख्याल से ओके, मैं बोलती हूँ ओके ओके ओके। तो उसके बाद हम ऐसे वॉल पे चढ़ने लग जाते हैं, तो जब हम चढ़ रहे होते हैं तो उसमें मेरा पाँव पर ऐसे स्लिप होता है, तो चल बहुत डर जाती है। तो फ़ौरन से मेरे पास आ जाती है और ऐसे मेरे पैक पे हाथ रख के ऊपर की तरफ मुझे कर रही होती है। मैं बोलती बाबू रस्सी है ना, नहीं गिरूँगी यार, बंदी हूँ, तुम भी ना, तुम चढ़ोगे, मैं ठीक हूँ। तो हम ऐसे फिर ऊपर बैठ लगाते हैं। चल बोलती अच्छी थी, अगर तुम पहले ऊपर पहुँची ना तो जो तुम बोलो। बोलती सोच लो जो मैं बोलूँ। चल बोलती हाँ, और अगर मैं ऊपर पहुँची तो जो मैं बोलूँ। मैं बोलती हूँ ओके डन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद मैं ऐसे जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हूँ, और जैज भी। तो जैज देखते हैं कि मैं बगैर डरे और बगैर नीचे की तरफ देखे ऊपर चढ़ रही हूँ, और मैं भी जैज को बार बार यही देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है जैज को हाइट से डर लगता है। तो जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तब तो जैज ठीक होती है, बट जब ज़्यादा ऊपर जाना होता है तो जैज को डर लग रहा होता है, मुझे दिख भी रहा होता है। तो मैं बोलती हूँ जान सुनो, इट्स ओके, आई मीन इट्स सीरियसली ओके, हम बस कर देते हैं, हाँ यहीं से वापस चलते हैं। चाय बोलती नो, बस थोड़ा सा रह गया है। मैं बोलती बाबू देखो तुम्हें डर लग रहा है ना, हाँ सच बताओ। चाय बोलती नो, मैं बोलती बाबू देखो मैं नहीं चाहती तुम्हें लग जाए, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, अब नीचे चलो ओके। चाय बोलती नो 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 नो, मैं बोलती बट चाय बोलती देखो जो पहले पहुँचेगा उसकी हर बात मानी जाएगी, तुम मुझे पहुँचना है। मैं बोलती ओके बाबा चलो। तो मैं ऐसे जैज के करीब होके मैं ऊपर की तरफ चढ़ रही होती हूँ, कि ताकि अगर जैज को डर लगे तो मैं उसको संभाल सकूँ। तो मैं एक हाथ से ऊपर वॉल को पकड़ती हूँ, तो दूसरे हाथ मेरा बार बार जैज की कमर पर जाता है। तो जैज कहती क्या जाना, ऐसे करूँगी तुम कैसे जीतेंगे, जीतना है ना तुम्हें भी। मैं बोलती हूँ हाँ। तो जैज बोलती अच्छा तो आगे देखो, अपना ख्याल रखो, मैं हूँ ना, मैं अपना ख्याल खुद रखूँगी। तो मैं फिर ऊपर चढ़ने लगती हूँ, बट मेरी नज़र बार बार जैज की तरफ होती है, मेरे हाथ भी ऐसे ही बार बार उसके बैक की तरफ जा रहे होते हैं, कि अगर इसे डर लगे या इसका हाथ छूटे तो मैं पकड़ लूँ। तो ऐसे ही करते करते मैं जानबूझ के स्लो स्लो कर रही होती हूँ। तो जैज ऊपर पहुँच जाती है, कहती ये देखो मैंने ऊपर पहुँच के हाथ भी लगा लिया। मैं बोलती अच्छा जी चलो अब हाथ पकड़ो मेरा। तो मैं ऐसे उसका हाथ पकड़ती हूँ और ऊपर से नीचे जंप कर देती हूँ, क्योंकि हम बंधे हुए होते हैं, हमें लगती नहीं है। तो जब हम नीचे होते थे तो जैज मुझे टाइटली हग करते हुए बोलती जान आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, मुझे पता है तुमने यही क्यों जीत की कि हमें वॉल पे चढ़ना चाहिए, आई नो, थैंक यू सो मच, मेरा सारा डर सच में ख़त्म हो गया। मैं बोलती हूँ ये तो मैं चाहती थी, मेरी जान का डर ख़त्म हो जाए, चलो बताओ क्या चाहिए। चाहे बोलती ये जीतना कैसे जीत रहा हूँ, ये तो मेरी हार है ना, तुम जानबूझ के हार गए मुझे पता है। मैं बोलती हूँ अरे बाबू ऐसा नहीं है, मेरी स्पीड बहुत स्लो थी ना, तुम जीत गए। चाहे बोलती नो 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 मुझे सब दिखता है। बोलती अच्छा जी सब दिखता है, बट फिर भी जान तुम जीत गए ना, तो बताओ मैं क्या करूँ। चाहे बोलती कि बस एक प्रॉमिस करो, लाइफ में कभी तुम ड्रिंक नहीं करोगे, करो प्रॉमिस। मैं बोलती हूँ बाबू तुम्हें पता है मुझे ड्रिंक कैसे भी पसंद नहीं है ना, तो वो तो बस गलती से हो गया था। चाहे बोलती हाँ बट प्रॉमिस करो कि गलती से भी कभी नहीं। मैं बोलती हूँ ओके बाबू आई प्रॉमिस, बट सीरियसली इतना अच्छा चांस सिर्फ इस प्रॉमिस पे गवा दोगी, कुछ और बोलो ना। चाहे बोलती नो मुझे बस ये प्रॉमिस चाहिए। मैं बोलती हूँ ओके चार आई प्रॉमिस, अच्छा बताओ और बोलो और क्या करूँ। चाहे बोलती नो बस एक की बात हुई थी ना और वो तो मैंने बोल दिया। मैंने बोला नो जान इट्स ओके, बोलो जो बोलो कि वही होगा। चाहे बोलती अच्छा जी सच्ची में। मैं बोलती हूँ हाँ। चाहे बोलती चलो पीठ पे बैठाओ मुझे और घुमाओ सारा पार्क में। बोलती जान नो। चाहे बोलती प्लीज़। बोलती ओके। तो मैं बैठ जाती हूँ, चाहे पीछे मेरे पीठ पर आ जाती है, मुझे ऐसे लेग से टाइटली पकड़ती हूँ और वहीं पे जोर से घुमाने लग जाती हूँ। बोलती देखो घुमा लिया पूरा पार्क जान। बोलती नहीं ये चीटिंग है। बोलती ओके बाबा। तो मैं ऐसे जाती हूँ, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, लिखा हुआ था पार्क। तो मैं इस पार्क के गिर्द सात चक्कर लगाती हूँ। मैं बोला ये देखो हो गया पूरा पार्क घुमा दिया तुम्हें। चल बोलती जान ये चीटिंग है नो, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। मैं बोलती जान प्लीज। क्या बोलती नो 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 नो, जो बोला वो करो। मैं बोलती ओके बाबा ठीक है चलती हूँ। तो मैं ऐसे फिर चलने लग जाती हूँ। जैज कभी बोलती लेफ्ट चलो, कभी बोलती है राइट चलो। बहुत सताती है मुझे, मतलब जब मैंने उसको सताया होता ना फुल बदले ले रही होती है मुझसे। और ऐसे एक घंटे तक मैं उसको उठा के चलती रहती हूँ। अब मेरी बस हो जाती है, मैं जैज को बोलती हूँ चाह बस अब मैं गई अब ख़त्म। जैज बोलती क्या हुआ। मैं बोलती मेरी हिम्मत ख़त्म उतरो। तो ऐसे बोल के जैज को उतार देती हूँ। बोलती आ मेरी पीठ ओह आ मेरी पीठ। जैज बोलती ओ हेलो इतनी भी मैं कोई भारी नहीं होती, तो तुम ओवर एक्टिंग करी हो। मैं बोला ओवर एक्टिंग गधी, अभी तो मैंने एक्टिंग भी नहीं की, सच में दुख रहा है। जैज बोलती ओ हेलो तुम गधी। मैं बोलती अच्छा तुम गधी। मैं बोलती तुम
बोलती ओके पापा मैं गदी मेरी जान भी गदी खुश। जब बोलती नो तुम्हारी जान नहीं सिर्फ तुम गदी। मैं बोलती ओहो अच्छा पहुँच लाखो ठीक है भाई मैं गदी खुश। तो तभी मैं देखती हूँ कि वहाँ पास में आइसक्रीम वाला होता है। मैं बोलती जान एक मिनट रुको मैं भी आ जा। बोलती बट तुम थक गई ना कहाँ जा रहे हो रुको मैं मुझे बता दो क्या चाहिए मैं लेके आती हूँ। मैं बोला नो तुम बैठो मैं लेके आती हूँ। तो मैं जाती हूँ और आइसक्रीम लेके आती हूँ। तो उसमें जस्ट एक ही आइसक्रीम लेके आती हूँ कौन वाली होगी। तो चल बोलती ये क्या है एक ही मेरे लिए कहा है। मैं बोला चाह नहीं तुम्हारे लिए ये है लो खाओ। तो चाय बोलती तुम्हारे लिए कहा है। बोलती हूँ वो तुम्हारे लिप्स है ना तुम इसे खा लो मैं तुम्हें खा जाऊँगी हाय। चाय बोलती ओहो कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रही मेरी जान। मैं बोला हम तो बचपन से रोमांटिक है बस कोई समझे तभी ना। चाय बोलती ओहो हाँ तुम्हारा सारा रोमांस दिखा था मैंने जब तुम नशे में थी। मैंने बोला जान एक तो मुझे कुछ याद नहीं है ऊपर से तुम बार बार ऐसा बोल के मुझे गिल्टी फील मत करवाओ ना। चाय बोलती जान उसमें गिल्टी फील वाली क्या बात है हाँ मेरे सामने अगर तुमने रोमांस उनसे किया भी तो इसमें क्या गलत है मैं तो जान हूँ ना तुम्हारी हाँ इट्स ओके। मैं बोलती हूँ ओके जान आई नो तुम मेरी जान हो और तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो मेरी हर गलती को छुपाती हो। चाहे बोलती हाँ ना बोलती हूँ चाहिए आइसक्रीम खाओ मेल्ट हो रही है हाँ ना की बच्ची खाओ इसको। तो जहाँ से उसको आइसक्रीम को खा रही होती हूँ वैसे उसको खाते हुए देख रही होती हूँ। जहाँ कहती लो तुम भी खाओ मैं बोलो नो तुम खाओ। तो जैसे ऐसे खा रही होती है और उसके लिप्स पर लगी होती है। मैं बोलती एक मिनट रुको। चाहे बोलती क्या मैं बोला मुझे भी आइसक्रीम खानी है। तो जैसे कहती ये लो खाओ। तो मैं ऐसे आइसक्रीम को साइड पर करती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं लिप्स से। तो जैसे हंसने लग जाती है तो मैं ऐसे जहाज के नीचे में लिप्स पे ऐसे अपनी जबान से उसकी वो आइसक्रीम लगी हुई खाती हूँ और उसको वहीं पर किसेस करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो चाहे तो मुझे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। तभी मैं टाइम देखती हूँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होता है शाम होने वाली होती है। मैं बोलती हूँ जान प्लीज़ अब हमें घर जाना होगा। तो जैसे बोलती क्यों। तो मैं बोलती हूँ जान चलो ना बोला ना घर जाना होगा चलो 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 जल्दी जल्दी। चाहे बोलती जान बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बोलती जान प्लीज़ हाँ फिर कभी आएंगे ना बट अभी चलते हैं ओके। तो चाहे बोलती जान अभी तो लेक भी है। मैं बोला बाद में चलो जल्दी से। तो मैं ऐसे जैस का हाथ पकड़ती हूँ और पार्क से बाहर लेके आती हूँ। चाहे बोलती क्या जान इतना तो मज़ा आ रहा था। मैं बोलती हूँ हाँ जान बहुत मज़ा आ रहा था अब घर चले। तो मैं ऐसे बोल के एक टैक्सी रोकती हूँ और हम वापस घर आ जाते हैं। जब हम घर आते हैं तो जैस का मूड बहुत ख़राब होता है हर तरफ घूर रही होती है। बोलती क्या जान तुम भी इतना इन्जॉय कर रहे थे क्यों लेके आई। मैं बोलती हूँ वो इसलिए कि अपना मोबाइल दो मुझे। तो जैस मोबाइल देती है तो कहती क्या। मैं बोलती हूँ क्या की बच्ची ये मैंने तुम्हें सेंड किया है चलो जल्दी से इसे ओपन करो तुम्हारे हाथ के सारे लेक्चर बैठ के पढ़ो ठीक है सब नोट डाउन करो तुम्हारे नोट्स भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। चाहे बोलती ये क्या है एक सेकंड तुमने ये सब कब और कैसे किसकी हेल्प से किया। मैं बोलती हूँ जान तब किया कैसे किया क्यों किया किसके हेल्प से किया वो सब बातें बाद में अभी बैठ के पढ़ो ओके आज नहीं गई ना तो तुम्हारी सजा है। मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रही थी कभी ये सब आया मैं तुम्हें पढ़ने को बोलूँ लेकिन ये आ गया तो इसको तुम्हें वापस घर लेके आए। बहुत मस्ती हो गई बहुत प्यार हो गया बहुत टाइम स्पेंड कर लिया बहुत मज़ा आया सीरियसली आज का दिन बेस्ट डे था। बट अब स्टडी बैठ के पढ़ो। चाहे बोलती जान ये चीटिंग है आज का दिन पूरा तुम्हारा था ना तो ये टाइम भी तुम्हारा। मैं बोलती हूँ हाँ पूरा दिन मेरा था और मैंने अपना टाइम ले लिया जान मुझे अपनी जान से बस इतना ही टाइम चाहिए था। देखो हमने कितनी मस्ती की इतना सारा प्यार किया किस किया मस्ती किया और मैंने तुम्हें तंग भी बहुत किया जो मुझे करना था अब पेट फुल हो गया मेरा तुम्हें तंग कर गया कि चलो पढ़ो। चाहे बोलती हद है जान बट मैंने तो भी तुम्हें तंग नहीं किया ना मुझे तो करने तो। मैं बोला हाँ रात में करेंगे ना बेड पे अभी नहीं अभी पढ़ो। चाहे बोलती अच्छा तो अभी करते हैं ना बाद में पढ़ लो। मैं बोला नो अभी पढ़ो चलो शाबाश पढ़ो। तो मैं ऐसे जैज़ को बोलती हूँ और जैज़ पढ़ने लग जाती है। तो उसके बाद में बोलती हूँ कि यार थैंक यू तो बोलना चाहिए उसने मेरी एक बार मैंने उससे हेल्प मांगा और उसने एक बार में मेरी हेल्प कर दिया। तो ऐसे बोल के मैं जस्सी के रूम में जाती हूँ। तो जस्सी ऐसे ही खड़ी होती है अपने कपड़े लपेट रही होती है। मैं कहती हूँ जस्सी सुनो जस्सी बोलती हाँ। मैं बोलती हूँ अंदर आ जाऊँ। बोलती यार अभी कुछ पूछने की बात है आ जाऊँ। तो मैं ऐसे अंदर जाते उसे टाइटली हग करती हूँ। बोलती हूँ थैंक यू सो मच सीरियसली अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं सब कैसे करती मेरी जान की स्टडी का बहुत नुकसान हो जाता सीरियसली थैंक यू सो मच सब तुम्हारी वजह से हुआ। बोलती रिलैक्स थैंक यू का बंडल है क्या तुम्हारे पास जो सारा आज ही मुझ पर ख़त्म करी हो हद है बात के लिए भी बचा के रखो। बोलती हाँ ओके बट सच में यार बहुत बहुत शुक्रिया। बोलती हद है थैंक यू से मना किया तो शुक्रिया पे आ गए तुम मीनिंग एक ही है दोनों का हाँ। बोलती ओ अच्छा शुक्रिया बता दिया मुझे नहीं पता था। तो जैसे हंसने लग जाती है कहती अच्छा तो जैज पढ़ी है। मैं बोला हाँ। कहती तो बाहर गए थे तुम लोग इंजॉय किया। मैं बोला हाँ बहुत मज़ा आया पता है मैंने इतना तंग किया जैज को इतना तंग किया बहुत ज़्यादा
सकती। अच्छा जी, तंग भी करना आता है तुम्हें? मैं बोला ओह मुझे तंग करना आता है, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना आता है, पता है मैं इतना ज़्यादा तंग करती हूँ। और जैज ने मेरे सारे नखरे उठाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता है मैंने इतना जैज को तंग किया, उफ मज़ा आया बहुत ज़्यादा। जैसे बोलती अच्छा जी ऐसा भी क्या किया तुमने? बोलती क्या क्या ये पूछो क्या नहीं क्या, पता है एक लॉलीपॉप के लिए मैं नीचे लेट गई कि मुझे लेके तो लेके तो जस्सी भी हंसने लगी सीरियसली। मैं बोला हाँ असल में मुझे पता था हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा साथ में इस तरह की मस्तियाँ करने का, इसलिए आज टाइम मिला तो मैंने बोला चलो आज सारी मस्ती करते हैं। मैंने बहुत मस्ती किया, मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे लग रहा है जैसे मुझे लाइफ की सारी खुशियाँ मिल गई। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं इतना ज़्यादा ख्याल रखती है, मेरे सारे नखरे उठाती है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में जैज़ है। तो जैसे जैसे मेरे फेस को टच करती हूँ बोलती है लकी तो तुम नहीं जैज हो। जैज बहुत लकी है जो इतनी क्यूट सी बच्चा सा मिला है उसे, जो उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। मैं बोलती हूँ हाँ बट बच्चा तुम बच्चा मत बोलो, मुझे बच्चा सिर्फ जैज बोलती है। बोलती ओके नहीं बोलती खुश। मैं बोलती हूँ हाँ। तो जैसे बोलती है तो जैज पढ़ रही है हाँ। मैं बोलती हूँ हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं अभी रूम में ना जाऊँ, अगर मैं रूम में गई ना तो मुझे पता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, पढ़े वो अच्छे से मन लगा के। तो जैसी बोलती है हाँ तो कोई इशू नहीं है ना, वैसे मैं बोर हो रही थी तो तुम मेरे पास रुक जाओ। मैं बोलती अरे नहीं यार मैं तुम्हें हमेशा तंग करती हूँ, तुम अपना एंजॉय करो ना। बोलती है नो यार कैसे एंजॉय करूँ अकेले में बोर हो जाती हूँ। मैं बोलती अच्छा वो छिपली है ना? बोलती है यार प्लीज़ मुझे नहीं पसंद वो। मैं बोलती हूँ हाँ ना मुझे भी नहीं पसंद, बट इतनी भी बुरी नहीं है, बट मुझे तो यार इसलिए नहीं पसंद ना क्योंकि वो मेरी चैज को लाइक करती है, बट तुम्हें क्यों नहीं पसंद? तो जैसी बोलती है बस मुझे वो नहीं पसंद, तो नहीं पसंद। मैं बोलती हूँ ओके हर किसी की अपनी रीजन होती है, इट्स ओके मत बताओ। वो बोलती है नहीं यार कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, बस जब भी उसे देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बोलती हूँ ओके। तो जैसी बोलती है तुम खड़ी क्यों बैठो? तो मैं ऐसे भी जैसी के पास बैठ जाती हूँ उसके बेड पे। तो कहती है अच्छा बताओ क्या लोगे? मैं बोलती हूँ हद है ऐसे पूछो जैसे मैं कहीं बहुत दूर से आ रही हूँ, पगल वाले रूम से ही आ रही हूँ, फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? कहती नहीं यार फॉर्मेलिटी नहीं, वैसे पूछ रही हूँ, ये तो मेरा घर है ना, आई मीन मेरा रूम मेरा घर, तो मेरे घर में आई हो तो बताओ क्या लोगी? मैं बोलती हूँ अच्छा जी क्या लूँगी क्या लूँगी क्या लूँगी, कुछ भी नहीं, बस थोड़ी देर बैठ रहो बात करते रहो। यार तुमने बोला था ना जॉब का, तो क्या क्या सीन है, मतलब सच में मुझे जॉब मिल सकती है, मैं अप्लाई करूँ कहीं जाके? वो बोलती अरे तुम्हें अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जॉब तो मैंने ढूंढ ली। मैं बोलती हूँ क्या सच में? अरे यार थैंक यू सो मच, एक बात बताओ तुम मेरी हर बात में हेल्प क्यों करती हो? आई मीन हम तो अभी अभी मिले हैं ना। तो जैसी बोलती है वो इसलिए क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। मैं बोलती हूँ हाँ बट हम तो अभी फ्रेंड बने हैं ना। तो जैसी बोलती है कि मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं उसके लिए सब कुछ करती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती हो। मैं बोलती हूँ एक सेकेंड वो क्यों? बोलती है अरे एज अ फ्रेंड यार हत्या तुम भी। मैं बोलती हूँ हाँ फिर ठीक है। तो जैसी बोलती है अच्छा ओके हाँ वो मैं तुम्हें जॉब कब बता रही थी ना? मैंने बोला हाँ बोलो। बोलती है कि यार असल में मैं सोच रही थी घर में रह के ना बोर हो जाती हूँ, तो मैंने एक ऑफिस में अप्लाई किया है, तो तुम्हारा भी मैंने साथ साथ सोच रही हूँ कि मैं अप्लाई कर दूँ, तो सारे डॉक्यूमेंट्स दो मुझे अपने। मैं बोलती हूँ यार डॉक्यूमेंट्स का कुछ इशू होगा, आई मीन मेरी स्टडी इतनी कंप्लीट नहीं है, तो मैं तो ऑफिस में जॉब नहीं कर सकती, मुझे तो कोई छोटी मोटी जॉब मिलेगी ना। वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है तुम बहुत टैलेंटेड हो मुझे पता है। मैं बोलती हूँ हाँ वो तो हूँ बट डिग्री तो नहीं है ना। वो बोलती है यार सिर्फ डिग्री का थोड़ी होता है। मैं बोलती हूँ आई नो यार यहाँ पर सिर्फ डिग्री देखी जाती है। तो जैसे बोलती है ऐसे नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है उसको ऑफिस में मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ टाइम के लिए मतलब बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए ओवर टाइम कर लूँ कुछ काम वगैरह, और सोच रही हूँ कि तुमको भी वहीं पे कुछ काम मिल जाएगा। मैं बोलती हूँ मुझे नहीं मिलेगा यार मुझे पता है, तुम करो मैं किसी शॉप वगैरह में ट्राई करती हूँ। कहती बिल्कुल नहीं जैस जान से मार देगी। मैं बोलती हूँ आई नो उसको नहीं पसंद, बट कुछ तो करना होगा ना यार, मैं घर में रह के बोर हो जाती हूँ, और अच्छा है ना काम पे जाऊँगी तो कुछ पैसे भी हो जाएंगे, वरना यहाँ पे रहना इतना आसान थोड़ी है। आई मीन हम लोग के पास पैसे हैं वो तो कोई इशू नहीं है, बट कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो फ्यूचर प्लानिंग्स भी तो ज़रूरी हैं। कुछ किसी अच्छी शॉप पे करूँगी ना, मतलब लाइक मोबाइल शॉप्स हो गई या और भी अच्छी अच्छी होती है ना, वहाँ पे करूँगी, कुछ आम ताम गंदी जगह पे नहीं करूँगी। चाहे तो जैसे बोलते हैं बिल्कुल नहीं, चाहे मुझे भी मारेगी अगर मैं तुम्हें ऐसी जगह पे जॉब दिलवाऊँगी तो। मैं बोलती हूँ यार मैं उसे नहीं बोलूँगी ना तुमने दिलवाई है। तो बोलती है वो समझ जाएगी, और कौन तुम्हारी हेल्प करेगा यहाँ पे? मैं ही हूँ जो तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अच्छा सुनो तुम फिर भी जो भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना अपने, तुम मुझे ईमेल कर दो,
और बाकी मैं कर दूँगी। मैं बोला लेकिन मेरे पास तुम्हारी ईमेल कहाँ है? वो बोलती अच्छा जी मैं अभी सेंड कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ अरे लेकिन तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ है? तो जैसे बोलती अच्छा जी मोबाइल तो अपना, तो मैं अपना मोबाइल देती हूँ। तो जैसे उसमें अपना नंबर सेव कर देती है और फिर मुझे अपनी ईमेल सेंड कर दी, कहती ये लो हो गया। मैं बोलती हूँ लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो बोलती हद है इतनी सी बात है, ये लो मेरा लैपटॉप ले लो। तो मैं बोलती हूँ लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? तो जैसे बोलती यार क्या कंफ्यूज क्यों कर रही हो? तो मैं हंसने लग गया। तो बोलता अरे अरे रुको रुको मजाक कर रही हूँ यार, असल में चैस को तो तंग नहीं कर सकती, तो सोचा तुम ही तंग कर लो। सब कुछ है मेरे पास, मैं कर लूँगी, डोंट वरी, लैपटॉप भी है। तो लेकिन अभी मैं रूम में नहीं जा सकती ना, तो बाद में। तो जैसे बोलती अच्छा ओके। तो मैं बोलती हूँ अच्छा एक मिनट रुको ना, मैं चैस को देख के आती हूँ। तो जैसे बोलती अभी तो तुमने बोला तुम रूम में नहीं जाओगी। मैंने बोला यार मैं देख के आती हूँ ना, तुझे किस चीज़ की जरूरत तो नहीं है। तो मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ जैस अच्छे से पढ़ रही है। तो मैं वापस आने लग जाती हूँ। तो जैस फ़ौरन छुटती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है, कि क्या हुआ जान कहाँ जा रही हो? मैं बोला अरे तुम पढ़ो, मैं बस देखने आई थी, तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। जैस कहती हाँ ना एक चीज़ की जरूरत है बहुत ज़्यादा, उसके बगैर ना मेरे से कुछ होता ही नहीं। मैं बोलती अच्छा बताओ क्या चाहिए? जब जैस बोलती तुम चाहिए ना, इधर रहो मेरे पास रूम में रहो ना। जैसे बोल के मुझे किस करने लग जाती है नेक पे। मैं बोलती हूँ नो बिल्कुल नहीं, अगर मैं रूम में रही ना तो तुम पढ़ोगी नहीं और ये गलत है ओके। तो जैसे बोलती हूँ नो पढ़ूंगी प्लीज़ रहो। मैं बोलती हूँ अरे बिल्कुल नहीं। तो जैसे बोलती रहो ना। मैं बोलती अच्छा रुको मैं तुम्हारे साथ रहूँगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं होंगी। जैसे बोलती ये क्या? मैं बोलती रुको ना। तो मैं ऐसे बोल के जैसे को वीडियो कॉल करती हूँ। जैसे बोलती हूँ हाँ बोलो। मैं बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, एक मिनट वीडियो कॉल पर काटना मत ओके। वो बोलती अच्छा ओके। तो मैं ऐसे बोल के मोबाइल में भी सेट करती हूँ। मैं जैसे बोलती हूँ ये लो अब मैं जैसे के मोबाइल पे रहूँगी, तुम मुझे देख सकती हो, लेकिन पढ़ाई से अगर तुम्हारा फोकस हटा तो मुझे बुरा नहीं होगा और मैं तुम पे नज़र रखूँगी कि तुमसे इसे पढ़ाई कर भी रही हो या नहीं। अगर मुझे लगा तुमसे इसे पढ़ाई नहीं कर रही ना तो मैं रूम में आऊँगी, तुम्हारा कान ऐसे ऐसे ज़ोर से खींचूँगी समझी, और दो चार लगा दूँगी तुम्हें। जैसे बोलती अच्छा तो लगा दो ना, किसने रोका है? अच्छा थोड़ा सा डोज दे दो ना ताकि मैं इसे पढ़ पाऊँ। बोलती हत्या जैसे बोलती प्लीज़ तुम ऐसे मोबाइल को साइड पे रख देते हो। चाहे उसको इसे पकड़ के वहाँ के ढेर सारा लिप्स भी किसी करते। मैं बोलती हूँ अच्छा अब बहुत है रात के लिए, हाँ चलो जल्दी से पढ़ो। चाहे बोलती थोड़ा सा, मैं बोलती नो पढ़ो। तो मैं ऐसे जैस को बिठा देती हूँ और कैमरा जो मोबाइल होता है ना उसका कैमरा ऐसे सेट करती हूँ तो जैस मुझे साफ देख पाए और मैं भी जैस पर नज़र रख पाऊँ कि उसे इसे पढ़ भी रही है या नहीं। तो उसके बाद भी मैं जैसे कि रूम में चल जाती हूँ और मुझसे बोलती हूँ सॉरी यार तुम्हारा मोबाइल चाहिए। बोलती है अरे यार ये तो वैसे भी फ्री है, मैं तो सोने लगी थी ना तो तुम ले लो। तो मुझे अपना मोबाइल दे देती है। तो मैं जैसे कि मोबाइल ले लेती हूँ और वीडियो कॉल पे जैस को देख रही होती हूँ। मैं उसको देखते हुए पढ़ती रहती हूँ, कैसे फ्लाइंग किस करती रहती हूँ। तो जब मैं उसको देख रही होती हूँ मैं देखती हूँ कि जैस जैसे मेरी तरफ देख रही है, मैं ऐसे इशारा करती हूँ थप्पड़ लगाऊंगी पढ़ो से। तो जैस फिर पढ़ने लग जाती है। तो मेरी जान को ना मतलब ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। तो जब मेरे पास जैसी का मोबाइल होता है तो तभी उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, बोलता है और उसमें लिखा होता है कि हाँ बताओ कैसी है तुम्हारी क्रश, तुम्हारे साथ पटेगी या नहीं। तो वैसे तो मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ती, बट यार ये आंखों के सामने आ चुके आता है, मैं क्या करूँ? तो वो होता है ना नोटिफिकेशन कि सामने आ जाता है डिस्प्ले में, तो मैं क्या करूँ? तो रीड हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जैसी का क्रश, इसका क्रश कौन है? जैसी ने तुमसे बताया नहीं। तो मैं ऐसे बोलती हूँ जैसी सुनो। तो मैं देखती हूँ कि वो सॉरी है। मैं बोलती हूँ अच्छा सॉरी है, चलो कोई नहीं अभी सोते रहे, कल इससे पूछूंगी इसका क्रश कौन है, उसने मुझे बताया नहीं। हद है, ऐसे बोलती है मैं इसकी फ्रेंड हूँ, मैं तो इसे सब कुछ बताती हूँ ना, तो इसने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैं ऐसे सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ कि जैसी तो बहुत अच्छी है, इसकी जो क्रश होगी ना अच्छा होगी या होगा, आई मीन पता नहीं जो भी होगा शायद लड़का होगा। मुझे नहीं लगता जैसी को लड़कियों में इंटरेस्ट होगा। हाँ अगर लड़का हुआ ना तो बस अच्छा होना चाहिए और जैसी का बहुत ज़्यादा प्यार करो और उसका ख्याल रखे। जैसी बहुत अच्छी है यार, उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए। तो तभी मैं देखती हूँ कि जैस मेरी तरफ देखी और स्माइल करती हूँ। बोलती अरे थप्पड़ लगाऊंगी, पढ़ो बुक्स की तरफ देखो, देखो अपने नोट्स देखो, बुक्स की तरफ देखो और अपने मोबाइल की तरफ देखो, सही से पढ़ो समझी। फिर कहती बाबू आओ ना रूम में, नहीं पढ़ा जा रहा। मैं बोलती थप्पड़ आऊँगी, सही से पढ़ो। तो जैस भी पढ़ने लग जाती हैं। तो मैं ऐसे जैसी की तरफ देखती हूँ, बोलती इसका क्रश कौन हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा। तो अब मेरा न्यू मिशन होता है जैसी का क्रश पता लगाना। सो गाइस अब देखना यह कि जैसी का क्रश क्या है। वैसे आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि जैसी का क्रश मैं हूँ, लेकिन मैं इतनी पावर, मुझे तब पता ही नहीं चला था कि जैसी का क्रश मैं हूँ। वेल मेरा न्यू मिशन होता है जैसी का क्रश पता करना और मैं पता करके रहूँगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि मुझे कब पता चलेगा कि जैसी का क्रश कोई और नहीं मैं ही हूँ।
तो वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट या कौन सा सीन अच्छा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।